हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं कहीं जा रही हूँ बाहर। मैं मंडी हाउस जा रही हूँ किसी काम से, कुछ स्टेशनरी का काम था और स्केचिंग वगैरह करने के लिए। तो स्टेशनरी का सामान हमारा जो होता है वो यहाँ पे तो नहीं मिलता है नॉर्मली यहाँ पे किसी शॉप में, तो वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे सामान लेना पड़ता है। तो अभी 1 बजने वाले हैं, अभी तक मैं क्लास ले रही थी तो इसलिए मैं लेट हो गई, वरना निकलना तो जल्दी था पर क्लास चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा पहले क्लास लेती हूँ। और मेरे बाकी सारे दोस्त भी क्लास ले रहे थे तो अभी निकलते हैं। पहले मैं उसको फ़ोन करती हूँ, मेरी दोस्त को। हेलो, क्या कर रही हो? हाँ, मेट्रो कार्ड हम जा रहे हैं। हम तो नहीं जा रहे, हम तो काम मैं तो ये बोलना मैं जा रही हूँ। चलो बाय। वीडियो अपलोड नहीं हो रही। अब फिर तू कितने बजे तक आएगी? लेके जा रही है। तो क्या व्लॉग नहीं बनाएगी वो? तो तू लेके जा रही है तो अपलोड कैसे होगी? इसमें नेट डलवाया, फिर इसी से करेंगे। सृष्टि, मुझे ऐसा डर डर सा लग रहा है। फोन मत खो के आइयो। बाय। कुंडी लगा ले गेट पे, आ जा। बाय बाय। मंडी हाउस तो पहुंच चुकी हूं और यहां पे मेरे दोस्त भी मिल गए हैं मुझे, तो अब चलते हैं स्टेशनरी। यह है रिया, यह है मोहित। तो अभी हम यहां पे, हमने आइसक्रीम वाला देखा, हमारा आइसक्रीम खाने का मन कर गया था, हम दे रहे हैं कोला वाली आइसक्रीम। तो मंडी हाउस में आओगे तो यहां पे आके आपको स्कल्पचर भी दिखेगा, ये काफी अच्छा स्कल्पचर बन रखा है। ये पोएट्री भी लिखी हुई है, शिलाखंड पर बैठी बाला काट कट तो काफी ऐसे और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे मंडी हाउस में। पर इसी के पास हमारा आगे जाके हमारा कॉलेज पड़ता है, कॉलेज ऑफ आर्ट, और उसके आगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये है मंडी हाउस का बीएम स्टॉल, जहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं स्केचिंग करने के लिए और समोसा खाने के लिए। और अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम। हम अभी थोड़ा सा रुक के जाएंगे, हमारी एक और दोस्त आ रही है। ये मंडी हाउस का एरिया है जहाँ पे हम अपनी स्केचिंग करते हैं, जैसे वो बच्चे वहाँ पे कर रहे हैं अभी स्केचिंग, तो हम भी अभी करेंगे। यहाँ पे ये पानी पीने का, इसके अंदर 1 रुपया डालते हैं फिर पानी आता है। और यहाँ पे डॉग हाउस बना रखे हैं कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल से, ये अच्छा काम कर रखा है। और एक यहाँ पे ये तो बहुत ही अच्छा बना रखा है टंकी के अंदर, इसमें तो कुत्ता सो भी रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है, जब यहाँ पे आओगे तो हमेशा देखना है इस एरिया को। यहाँ सामने है हिमाचल भवन और इधर की साइड है त्रिवेणी और ये है SRC। तो काफ़ी जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं वो यहाँ से अपना कोर्स करके गए हैं, मतलब ड्रामा वगैरह का। ड्रामा सोसाइटी भी है तो वहाँ के काफ़ी एक्टर्स आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है उनसे, बहुत अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पे। तो हमारी फ्रेंड भी आ चुकी है। हाय, काफ़ी टाइम के बाद, अरे हम सब काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं ना। ये कांग्रेचुलेशंस। अरे एक ये दोनों दोस्त हैं, केक खाने के लिए आते, केक मांगे जा रहे थे भाई। देखते हैं। मैंने एक दिन में सारे देख लिए थे। अभी हम जा रहे हैं SRC में, श्रीराम सेंटर। हम SRC से तो बाहर आ गए हैं, अभी हम कहीं और जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे खालसा। मोहित को बिल्ली पसंद आ गई है वहाँ पे, कैट लवर। चलो 1 2 3 गो। मोहित को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है झूला झूलने में, अटक गई। इससे पता चलता है कौन भारी है। आलू किधर है? आलू ही तो नहीं है उसमें। आज बहुत टाइम के बाद हम घर से निकले हैं सबके सब, है ना, इतने टाइम से घर पे थे। तो 1 महीने बाद तो ये सारे मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, तो हम सारे कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। हम सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं एक्सेप्ट इसको और मुझको। हालिया अब हम जाते हैं, अब सीधा खालसा चलते हैं, ठीक है। मेन चीज तो रह गई हाजमोला, झूला खाली हो चुका है। चले चले। ए रुक 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 रुक, हिला मत हिला मत। ये मेरे ये हटाने दे। आज हम काफी दिनों बाद मिले तो काफी अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। क्योंकि इतने टाइम से हम घर घर पे थे तो फ्रेश हो गया थोड़ा, है ना, माइंड फ्रेश हो गया। मोहित का टास्क क्या, अब जिसने फेंका वही उठाएगा। वो भी चलते हो उसको स्पाइडरमैन। ओ कंपटीशन कर रहे हमसे मोहित तेज के, हम भी उछलेंगे।
मैं तो थक गई हूँ ये झूला झूलते हुए, और अब अजीब सा मन होने लग गया, ये भी थक गए हैं। ये सवेरे से बस में बहुत देर तक ट्रैवल नहीं करते थे, ऐसे सारे के सारे बोर हो गए हैं अभी मैं झूलते झूलते। अब चलते हैं वरना हम थक जाएंगे सच में। मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि अब मैं सो जाऊं। अब उतरते हैं हम भी। किसी ने हमको वीडियो कॉल करा था बात करने के लिए, तो अभी ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। हेलो कर दो, अपना नाम बोल दो। तो काफी अच्छा लगा इनसे बात करके। हम जा रहे हैं, अब व्लॉग में देख लेना ठीक है। अब आप भी आओगे उजाले में तो आओ, शक्ल नहीं दिख रही आपकी, चमक गया। ओके बाय। तो चलो अब काफी झूला झूल लिया हमने, अब हम भी चलते हैं स्टेशनरी का सामान लेने के लिए खालसा में, जो हमारा मेन काम था। तो अभी हम आपको दुकान दिखाएंगे। ये हमारी आर्ट की हैरी पॉटर वाली गली, हैरी पॉटर वाली गली। सारे तो ऊपर चले गए, मैं अभी नीचे थी क्योंकि हमारी जो व्लॉग है वो आज अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि नेट नहीं चल रहा था। तो आज यहाँ से वाईफाई लिया है अभी, तब अपलोड हो रहा है। अभी हम भी ऊपर चलते हैं भाई। तो अभी हम शॉप पे तो पहुंच चुके हैं, ये है खालसा, इन भैया की दुकान है ये। तो यहाँ पे काफी अच्छा सारा सामान मिलता है, मतलब यहाँ से, और सारे कॉलेज के बच्चे लेकर जाते हैं यहीं से। किसी को भी अगर खरीदना हो, अगर जैसे जो भी पोर्ट्रेट वगैरह बनाता है तो कोई भी सब ऐसे पूछते रहते हैं कि कहाँ से मटेरियल खरीदते हो, तो कोई भी यहाँ से आके खरीद सकता है, मंडी हाउस में है ये। और इन्हीं का हम वाईफाई यूज करके हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अभी फाइनली हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और वाईफाई इनका ही यूज करा हमने, भैया का। तो थैंक यू सो मच भैया आपको, सब आपके ही हैं, वाईफाई से क्या होता है। और ये काफी सारा सामान भी लिया हमने यहाँ से, तो काफी अच्छी दुकान है ये यहाँ पे। तो किसी को भी मटेरियल लेना हो तो कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो अच्छे हैं तभी हम अच्छे होते हैं, तभी हमारी शॉप अच्छी होती है। तो किसी को भी लेना हो तो मंडी हाउस में आना, यहाँ पे मान ले लिया। अब चलते हैं हम यहाँ से, कुछ खाएंगे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। वो क्या पड़ा था हमने, वही रबरा। चलो चलते हैं खाने के लिए, चलते हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो ये है बंगाली मार्केट, यहाँ की फेमस। यहाँ पे है गोल चक्कर, मतलब इससे यहाँ पे गोल चक्कर के अराउंड मतलब पूरी मार्केट है ये। बंगाली स्वीट काफी फेमस मार्केट है ये यहाँ की। कहाँ जाना है? बंगाली मार्केट से खाओगे क्या? नहीं, यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है और हम में से कोई अमीर है नहीं। तो तुम बताओ कि हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं तुमको? कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता। मतलब अच्छे लगते हैं ना? बहुत मज़ा। अरे थैंक यू, अपना को तो मतलब अच्छे लगते हैं और देखती भी है ये हमारे ब्लॉग। हाँ, और तुम बताना जरा कैसे देखते हो बिना एड के? वो मैंने कल ही डाउनलोड किया। तो वो ब्लॉग्स कैसे लगते हैं हमारे? अच्छे लगते हैं। कैसे वो? जानबूझ के सही लगते। तो ये त्रिवेणी है, तो यहाँ पे होते हैं सारे एग्जीबिशन होते हैं आर्ट के। क्या क्या खाना है? चाउमीन, चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल। तो अब फाइनल हो चुका है, हम खा रहे हैं चाउमीन, चिली पोटैटो और स्प्रिंग रोल। तो मोहित ऑर्डर देकर आएगा। फाइनली हमारी चाउमीन तो आई गई है, हमारे स्प्रिंग रोल भी आ गया, हमारी चाउमीन भी आ गई। तो इस जगह में हम यहाँ पे वहाँ से लेते हैं और यहाँ पे इन्होंने चटाई बिछा रखी है, तो यहाँ पे बैठ के सारे खाते हैं। जब हमारा कॉलेज खुला हुआ था तब हम यहाँ पे आते थे और ऐसे बहुत चिल करते थे यहाँ पे, पैसे होते। हाँ, जब पैसे होते थे। चलो पहले खाते हैं, बड़ा वाला उठा लिया। तो अब यहाँ पे खा तो लिया है, अब हम मेट्रो स्टेशन जाते हैं और फिर सीधा अपने अपने घर निकलेंगे। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। वो कभी भी हम यहाँ पर आते तो हमेशा हम चाय पीते हैं, जैसे हम स्केचिंग के लिए आते थे तब भी पीते थे, कॉलेज से जब भी आते थे। तो एक मेमोरीज सी है जो अब फिर से ऐसे रिकॉल सी हो रही है ना, फिर से वैसे हम सब कर रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है आज, और आज की पार्टी दे रहा है मोहित, अमीर दोस्त है हमारा, ऐसे थोड़ी ना है, 10-10 रुपए की चाय पिला रहा है। तो अंकल हमारी चाय पी रहे हैं सबकी, तो अभी चाय वगैरह तो पी लिया, आप घर को चलते हैं, सीधा घर को चलते हैं भाई, ठीक है। तो हम मेट्रो स्टेशन में तो पहुंच चुके हैं, अब हम अपनी अपनी मेट्रो लेते हैं। बाय बाय, अब तुम दोनों साथ जाओगे और हम दोनों साथ जाएंगे। यहाँ पे हमें फ्री वाईफाई मिला है, और ये मेरा पूरा वाईफाई आज फ्री खत्म किया है। हाँ ठीक है, वीडियो अपलोड हो रही थी तो अब ये कनेक्ट कर रहा है, पर इसके लिए कुछ करना पड़ता है ना। तो हम वाईफाई चला के देखेंगे वाईफाई कैसा चल रहा है। चल गया ना, अच्छा चल रहा है ना, मस्त है। स्किप मत करना।
चलो अब तुम एंजॉय करते हुए जाओ, हम भी जाते हैं। बाय बाय। हमारी मेट्रो आ चुकी है, हम जा रहे हैं अब, हम थोड़े दिन बाद मिलेंगे। ठीक है गाइस, 9 बज चुके हैं और अब मैं घर आई हूँ। यहाँ पे तो डिनर चल रहा है, हम तो डिनर करेंगे भाई, डिनर का टाइम यही होता है। इसको क्या हुआ? नहीं क्यों 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 क्या हो गया? सामने नाटक चल रहा है और हमारा डिनर आ गया, अब हम डिनर करेंगे। मैंने तेरे को बहुत मिस करा। ठंडे हाथ वाले, सॉरी सॉरी। डिनर में है बड़ी की सब्जी, मतलब सोयाबीन और रोटी। चलो खाते हैं। क्या हुआ तुझे? गिर गया। कुछ भी नहीं, पुरानी बैंडेज थी। चलो लगा के देख, तुम चिपक रही है कि नहीं। कोबट बना दिया सबका। गिर गया मैं। तो गाइस एक बात बतानी थी कि हमारा गाने का जो पोस्टर है वो आ चुका है और गाना आ रहा है 4 फरवरी को। तो जिसने नहीं देखा होगा तो वो देख लेना पोस्टर, और वो हम अपनी वीडियो के एंड पे लगा देंगे। वैसे तो आप सब लगाते ही हैं, तो देखना, काफी अच्छा पोस्टर है और टीजर भी कल आ जाएगा शायद से, तो देखना। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, तो देखते कैसा होता है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है। आप भी ज्यादा से ज्यादा शूटिंग में तो काफी मजा आया था, और इंस्टाग्राम में भी डाल रखा है ना। इंस्टाग्राम तो मेरे इंस्टाग्राम में भी डाल रखा है हम तो, मतलब हमारा जो धापा सिस्टर्स का अकाउंट है और जो इसका अकाउंट है, दोनों के उसमें पोस्टर डाला हुआ है, तो वो भी आप जाके चेकआउट करना और शेयर करना आगे आगे। हाँ, और बताना पोस्टर कैसा लगा। क्या खा रहे हो? मेरे को भी क्या है कि करके से मार रहा है, कमेंट्स करे जा रहे हैं। क्या बात है चाचा? चाचा ओपी। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे। देखने पड़ेंगे जैसे अभी देखे नहीं है क्या, काफी बहुत सारे मतलब अच्छे कमेंट है। थैंक यू व्यूअर्स, लेकिन टफ है यार इतना। तुम कह रहे हो अपोजिट में लोग इसको, तो आज से उल्टे में क्या पता चल रहा है कि स्क्रीन पे क्या आ रहा है। तो चलो फाइनली चाचा को पता चल गया कि कैमरा ये सेट करना कितना मुश्किल होता है, जो हमें चाचा बाबा ऐसे ठोकते रहते हैं, अरे ऐसा ले वैसा ले, ये ले लिया तो है ना। ये बात बिल्कुल सही बोली, बहुत नोटिस धोखाधड़ी करता है ना जो बार बार। अब पता चला कैसे बनाते बच्चे, पता चल गया। किसी ने लिखा है ओल्ड ट्रेंड चाचा विधायक है हमारे, न्यू ट्रेंड चाचा ब्लॉगर है हमारे। काफी अच्छा लगा सबको। अब मैं जा रहा हूँ बम्बई, मुझे बम्बई हीरो बनने के लिए। हीरो क्या ऑफिस वाले फोन कर रहे हैं? भाई काम पे भी ध्यान दे ले। दिखा तो दे हुआ क्या है, जल गया था वो। अरे तो दिखा तो दे भाई, दिखाने में क्या है। तो बर्तन वगैरह मत दो, क्योंकि अब बहुत टाइम भी लगाते ना बर्तन धोने में। ग्लास पहन के नहीं हो, प्लास्टिक या पन्नी बांध लियो क्या वो? अरे वो तो सीधा हाथ है, वो तो वैसे भी पानी से बच जाएगा। क्या यार ये। तो गाइस ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा, आज हमने थोड़ा सा बाहर का ब्लॉग बनाया मंडी हाउस का, काफी अच्छी जगह थी वो, और थोड़ा सा घर का दिखाया फिर, क्योंकि ये सब नहीं थे, फिर सब लोग मिस करते हैं कि आज ये नहीं दिखे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ का बनाया। तो बताना ब्लॉग कैसा लगा। तो अब हम ब्लॉग को एंड करते हैं, तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। जब हमारा कॉलेज खुला खुला।